आप तो सब जानते हैं भारत को एक भ्रष्ट देश माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में हमारे समाज ने, हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार को अब दिल से स्वीकार कर लिया है। भ्रष्टाचार अब हमें बुरा भी नहीं लगता, और हम ये मानकर चलते हैं जब कोई एस्टिमेट लगाते हैं, हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, तो जब हम उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना खर्चा होगा, तो उसमें रिश्वत के पैसे अलग से हम लगाकर चलते हैं कि इतना पैसा रिश्वत में लगेगा, और अब हमें ये बात चुभती भी नहीं है। आओ आओ भाइयों और बहनों, दिखाएं तुम्हें एक नाटक अनोखा। बात करेंगे तुम्हारे काम की, नहीं देंगे तुम्हें धोखा। आजकल की बात है, देश का हाल चाल तुम्हें सुनाते हैं। लाखों मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत से रूबरू कराते हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? भ्रष्टाचार से बड़ा और कोई मददगार है ही नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि इस भ्रष्टाचार के काफी फायदे भी हो सकते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? भ्रष्टाचार के फायदे? अरे जाओ जाओ अपना इलाज कराओ, भला करप्शन के भी कोई फायदे हो सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल फायदे हैं। अरे इधर उधर की बातें बंद करो, फायदे बताओ। अन में खड़े होने से बचाता है करप्शन, एक महीने का काम एक दिन में कराता है करप्शन। जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो, वहाँ पैसे कमाने का साधन है करप्शन। सिर्फ इंडिया के नहीं, स्विट्जरलैंड के लोगों को भी नौकरी देता है यह करप्शन। काले धन को सफेद होने से बचाता है हमारा प्यारा करप्शन। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ, घबरा गए? अरे डरो नहीं भाई, अभी तक तो हम आपको एक काल्पनिक दुनिया के दर्शन करा रहे थे, जहाँ पे पेट्रोल के बढ़ते दामों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं और स्टैंड अप कॉमिक जेल में मिलते हैं, जहाँ पे एक ट्वीट करने पर आपको एंटी नेशनल पुकारा जाता है, और अगर सच बोले हो तो आपके ऑफिस पे रेड पड़ जाती है। एक सेकेंड, ये सब तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। तो अभी इससे पहले कि मेरे ऊपर एंटी नेशनल होने का इल्जाम लगे, मैं आपको भ्रष्टाचार का सच दिखाता हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक है यही करप्शन, बर्बादी के समुद्र में डूबता जाए यही करप्शन, यही करप्शन, यही करप्शन। मंत्री हो या चौकीदार, सब फैलाए यही करप्शन, 74 साल की हुई आजादी तब भी चलता जाए करप्शन, यही करप्शन, यही करप्शन। थाना हो या कोर्ट कचहरी, चलता है बस यही करप्शन, जिंदगी भर ना जीने देता, मरने पर भी ना छोड़ेगा यह करप्शन, यही करप्शन, यही करप्शन। आज के इस दौर में सभी के रगों में बढ़ता जाए करप्शन, तेरा मेरा किसका उसका सबका माई बाप करप्शन, करप्शन हाय करप्शन, हाय करप्शन। हाँ करप्शन है हम मानते हैं, पर क्या हम इसके भागीदार नहीं? किसी और पर उंगली उठाना बहुत आसान है, सिर्फ सरकार को ब्लेम करने से इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता। कैसे? हम इस भ्रष्टाचार का कारण है, हम अपना काम जल्दी करवाने के लिए घूस देते हैं, सिफारिशें करते हैं, और तो और चमचागिरी भी करते हैं। और अगर कोई रिश्वत ना ले तो हम कहते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन का एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में कराना चाहती हूँ, हमारे पापा ने सिर्फ चाय पानी के लिए 20 लाख रुपए बचा के रखे हैं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक दिन में आ गया था, वो भी बिना ड्राइविंग टेस्ट के। मैं 2000 के दो करारे नोट दिखाकर काम हो गया। तो देखा आप सब लोगों ने कि हमारे रगों में भर चुका है यह भ्रष्टाचार। स्कूल में एडमिशन लेना है तो पैसे दो, नौकरी चाहिए तो पैसे दो, किसी को जेल भिजवाना है तो पैसे दो, और किसी को जेल से निकलवाना है तो भी पैसे दो। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, यहाँ तो लोगों को बस टीवी के सामने बैठकर अपना ओपिनियन देना आता है। हम लाइन में खड़े होने से क्यों डरते हैं, हमें हर काम की इतनी जल्दी क्यों है? अरे कायदे से काम करवाओगे तो पैसे भी बचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, और पैसे बचाना किसको अच्छा नहीं लगता, देश के बारे में तो नहीं पर कम से कम अपनी जेब के बारे में तो सोच लो। करप्शन ऊपर से अपने आप मिट जाएगा जब नीचे हम और आप इसे मिटा देंगे। एक भ्रष्टाचार मुक्त देश में रहना हमारा हक है, तो आप सबसे गुजारिश है दोस्तों।